तो नाम में क्या रखा है बात करते हैं। काम की आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इन शॉर्ट से आप स्लो एंड फास्ट मिक्स वीडियो कैसे बनाते हैं। मगर एक ही वीडियो में फास्ट मोशन भी डालना है, स्लो मोशन भी डालना है, किसी पार्ट को आपने फास्ट करना है, किसी को स्लो करना है, उस तरह का मिक्स वीडियो कैसे बनाओगे, ठीक है ना। सीखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास इनशॉट नहीं है प्ले स्टोर में जाएं, इनशॉट को आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। जब मैं इसकी पहचान आपको करा देता हूं इसके नाम और आइकन की, जहां देख लीजिए ये है इसका आइकन, इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है इस एप्लीकेशन को, ठीक है ना। काफ़ी बढ़िया वीडियो एडिटर है, तो इसे मैं कर लेता हूँ ओपन क्योंकि पहले से मैंने इंस्टॉल कर रखा है। ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ आपने वीडियो पर क्लिक करना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद जहाँ आपने न्यू पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने आपके मोबाइल की गैलरी में जो भी वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगी, ठीक है ना। आपने वीडियो सेलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो को आप स्लो एंड फास्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसमें आप डालना चाहते हैं स्लो एंड फास्ट मोशन, ठीक है ना। एक वीडियो जहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ये वाला आइकन इस पर क्लिक करना होता है, ठीक है ना। ये वीडियो आ चुका है इनशॉट एप्लीकेशन में। अब इसमें आपने फास्ट मोशन भी डालना है और स्लो भी डालना है। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको ये नीचे जो वीडियो दिखाई दे रही है जहां इसके टुकड़े करने होंगे, ठीक है ना। जहां ये लाइन दिखाई दे रही है जहां से आपने वीडियो के टुकड़े करने, वहां पे लाके जहां स्प्लिट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा और आगे कर लेता हूँ मैं, फिर से स्प्लिट पर क्लिक कर देना। अब इसके तीन टुकड़े हो चुके हैं, तीन टुकड़े इसलिए किए क्योंकि हम एक टुकड़े को स्लो करने वाले हैं, दूसरे को फास्ट करने वाले हैं, इस तरह का वीडियो बनाने वाले हैं। अब मान लो आपने पहला टुकड़ा फास्ट करना है तो पहले पे क्लिक किया, उसके बाद जहां ऊपर स्पीड आ गया, अब इसकी स्पीड को कम कर दीजिए, ठीक है ना। ओके कर दिया। अब ये पहला टुकड़ा है जो वो स्लो हो चुका है, उसके बाद जो आगे का टुकड़ा है वहाँ पे ले जाना है इसको, वीडियो को नीचे से वहाँ पे लाने के बाद फिर से इस पर क्लिक करना है और फिर से जहाँ स्पीड पे क्लिक करना है, अब इस वीडियो की स्पीड को ज़्यादा कर दीजिए और ओके कर दीजिए। इस तरह से आप वीडियो के किसी भी पार्ट को स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर लीजिए। करने के बाद इसे सेव कर लीजिए, ऊपर सेव लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। एक बार फिर से सेव पे क्लिक करना होता है या क्वालिटी पे क्लिक करना होता है, उसके बाद आपका वीडियो सेव होने लगता है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर कीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में।